नमस्कार एवन न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा। देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट में क्या है आपके लिए खास। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष में जनकपुरी के लाल सैन मंदिर में कार सेवक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सिंधी जनरल पंचायत, सिंधी सोशल और कल्चरल सोसाइटी, दादा संतराम ममतानी मेमोरियल समिति, केशव क्लब ने यह समारोह आयोजित किया। इस समारोह में सभी कार सेवकों को सम्मानित भी किया गया। इस दौरान सम्मानित होने वाले कार सेवकों के नाम हैं स्वर्गीय भारत भूषण सिंह, स्वर्गीय चांदलाल शर्मा, स्वर्गीय दादा सतराम ममतानी, स्वर्गीय जगदीश राज महाजन, स्वर्गीय जगन्नाथ राजपाल, स्वर्गीय सुशीला शर्मा, स्वर्गीय विमल शर्मा, स्वर्गीय यशपाल महाजन, आलोक भगत, अरुण गांधी, अरुण मेहन, अशोक चुग, अशोक शर्मा, वसंत गुलाटी, चंदर बख्शी, देवीलाल लालवाणी, दीपक जिंदल, दीपक खत्री, दीपक तनेजा, धर्मेंद्र खत्री, कंवल कोछड़, गोविंद राम अग्रवाल, गोपाल स्वामी, गुरदीप कल्याल, जगमोहन उर्फ जग्गू, कमल शर्मा, कंवर किशोर, कौशल गोसेन, महेंद्र कुमार मिश्रा, महेश गुलाटी, मनोज बजाज, मनोज शर्मा, मुकेश भवानी, मुनीश बख्शी, नरेंद्र चावला, नरेंद्र जी, नीरज शर्मा, प्रदीप दत्ता, पुनीत खन्ना, रविंदर पाल भाटिया, रोहित गुप्ता, संजीव कालरा, सर्वेश महाजन, शिवमोहन मेहता, तुलसी गिरी, उमेश सबरवाल भी इस दौरान सम्मानित हुए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे पूर्व महापौर नरेंद्र चावला, विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अध्यक्ष दिल्ली के सुभाष कपूर, साथ ही कार्यक्रम के आयोजककर्ता थे सुनील ममतानी और सर्वेश महाजन। चलिए आपको दिखाते हैं कार्यक्रम की कुछ खास झलकियां। तालियों की गड़गड़ाहट में कभी नहीं चाहिए। मैं इनका भी अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम सरकार जी के। बहुत हर्ष की बात है यार, हमारे जीवन मान भी आज हमारे बीच उपस्थित नहीं है। उनके परिवार से आए हुए जो सदस्य हैं, जितने भी सदस्य हैं, हम चाहेंगे कि वे सब आए और मैं एक एक करके यहाँ पे अभिमान दूंगा। अभी कृपया जाइए। बहुत मनोज बजाज जी, देवीलाल लालवानी जी, आप भी कार सेवक हैं, आपका भी हम सम्मान करना चाहेंगे। परिवार के सदस्य आगे आ जाएं और नरेंद्र चावला जी से मिला लो। श्री जगन्नाथ राजपाल जी के परिवार से जितने सदस्य आए हैं, इसके पश्चात केवल इसके ये
भी बताया तो मैं भी रुक जाऊंगा और मेरे साथ कुछ और भी रुक जाएंगे, इसलिए वापस आकर के भी हमें भी नहीं बताया। जब सेकेंड हार्ट अटैक आया तो डॉक्टर्स ने कहा कि आपको तो 6 दिसंबर को हार्ट अटैक आया था, बहुत जबरदस्त था, आप कैसे बचेंगे। तो कहते हैं ना, जिन्हें श्री राम बचाए उन्हें कोई नहीं उठा पाता। जो होता है उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की इच्छा से, उन्हीं के आदेश से होता है। और उसके बाद उन्होंने 22 वर्ष बहुत अच्छे से गुजारे श्री राम की कृपा से, सेवा करते रहे। तो आज मुझे बहुत खुशी भी हो रही है कि इस प्रांगण में जहाँ वो सदैव उपस्थित होते थे, हम उनके लिए अवार्ड देने के उपस्थित हैं। लेकिन दुख भी है कि आज वो स्वयं हमारे बीच नहीं है। और उनकी पद होती जिसके आपको श्री हनुमान चालीसा पढ़ के सुनाया, बड़े दादा की अवार्ड मैं लूंगी, ये इनकी तरफ से। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए वन न्यूज़ टीवी। नमस्कार।